वीडियो स्किप मत करना, वीडियो एंड तक देखो और जल्दी जाओ सब्सक्राइब करना। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम हीरो होंडा करिश्मा आर इसके ऊपर काम करने वाले हैं और टॉपिक है कि एवरेज सेटिंग। तो इसका आज माइलेज सेटिंग करने वाले आज हम, तो कैसे करते हैं फुल डिटेल वीडियो है। इसके पहले वाला वीडियो था जो हमने कार्बोरेटर क्लीन किया था, वो अगर मिस करे हो, अगर आपने वो मिस करा है तो प्लीज जाओ जल्दी वीडियो देखो। चलो फिर अब इसे पल ये वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो देखना। तो चलिए फिर अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बाइक को स्टार्ट करना है, इसे गर्म करना है, अच्छा खासा गर्म कर लेना बाइक को और फिर हम एवरेज सेटिंग करेंगे, क्योंकि ठंडी बाइक में एवरेज सेट नहीं होता है। तो इसके लिए तो पहले बाइक को स्टार्ट करेंगे 2 या 3 मिनट तक, अच्छा खासा इंजन गर्म होने के बाद हम एवरेज सेट करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी हमें आरपीएम थोड़े बढ़ा लेने हैं, तो आरपीएम बढ़ने के लिए यहाँ से हमें स्क्रू को, हेडिंग स्क्रू को टाइट करना होगा। इस तरह। तो अभी हम 3000 आरपीएम कर देंगे इसे। तो अभी इंजन अच्छा खासा गर्म हो गया है। तो अभी हम जो मिक्सचर स्क्रू है इसे हम टाइट करेंगे एकदम हल्के हाथ से। तो एक, दो, तीन, 3.5। तो ये 3.5 स्क्रू मैंने ओपन किया था, तो 3.5 टाइट हो गया है। तो एकदम हल्के हाथ से इसे टाइट करना है। तो अभी हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। एक, दो, इसमें धुआं धुआं हो गया है, ये बाइक को बंद कर देते। सो अभी एवरेज सेटिंग तो हो गई है, जहाँ पे सबसे ज्यादा आरपीएम बढ़ेंगे वहां पे आप स्टॉप कर दो। मतलब जब आप स्क्रू को लूज करेंगे और जब आरपीएम बढ़ेंगे, तब ज्यादा से ज्यादा आरपीएम जब जहाँ पे स्क्रू को लूज करेंगे वहां पे बढ़ेंगे, तो वही आपको स्टॉप कर देना है और फिर आपकी बाइक एवरेज सेटिंग हो गई। अगर हाँ, आप लूज करते करते अगर आरपीएम लो भी हो रहे हैं, मतलब एक बार आरपीएम बढ़ गए स्क्रू को लूज करने के बाद और बढ़ने के बाद आपने और लूज किया और वो आरपीएम लो हो रहे हो गए, तो एवरेज कम होगा, तो फिर से आपको टाइट भी करना है। जैसे कि जहाँ पे आरपीएम ज़्यादा बढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा जहाँ स्क्रू को लूज करते समय या टाइट करते समय बढ़ेंगे आरपीएम, वो आपकी एग्जैक्ट वही एवरेज सेटिंग है और वो माइलेज भी आपको सबसे ज़्यादा निकल के देगी। तो अभी हमारा बाइक का एवरेज सेट हो गया है। तो अगर आपकी बाइक भी अगर एवरेज सेट करना है, तो इसी प्रकार आप इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप सेट कर सकते हो। सो 3.5 पे अच्छी तरीके से एवरेज सेट हो गया, आरपीएम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो बाइक स्टेबल भी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।